विशाल, ये औरत तुम ऐसे क्यों घूर रही थी? ताकि मुझे भी अपना शिकार बना ले। ओफो विशाल, तुम तो कुछ ज्यादा ही वेमले होते जा रहे हो। स्वीटी, मेरी बात मानो, ये लोग सरूर कोई आत्मा है और उस बोरे में सरूर कोई लाश है। अगर तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं आता ना, तो कल का अखबार पढ़ के देख लेना। सकता है? अरे तेरे गालों की लाली कहाँ उड़ गई? बड़ी अजीब सी न्यूज़ छपी है। क्या कहीं कोई बम फटा है? नहीं यार, गुलमोर रोड के पास एक खाड़ी में पुलिस को एक बोरी मिली है जिसमें जवान लड़की की लाश थी। अरे यार, ऐसी न्यूज़ तो छपती रहती है। मैं परेशान इसलिए हूँ कि इस लाश के बारे में मुझे परसों रात ही पता चल गया था। क्या बात कर रही है? हाँ, परसों रात में विशाल को घर छोड़ने गई। मैंने देखा एक अजीब सा आदमी प्लॉट नंबर 13 से एक भारी सी बोरी खींच के लाया और डिक्की में डाल के ले गया। मुझे पूरा यकीन है कि ये वही बोरी है। अरे लेकिन तुम लोग ये कैसे कह सकते हो कि ये वही बोरी है? इसलिए कि जिस खाड़ी से पुलिस को ये बोरी मिली है वो प्लॉट नंबर 13 के नजदीक है। मैंने तो तुम लोग से पहले भी कहा था, लेकिन तुम लोगों ने मेरी बात नहीं मानी। अब तो यकीन आ गया ना? देख विशाल, हो सकता है कि ये खून भी तेरे घर के सामने रहने वालों ने ही किया हो, मगर मैं अब भी ये बात मानने से इनकार करता हूँ कि वो लोग प्रेत आत्माएं हैं और खून चूसती हैं। प्रेत आत्मा? वो भी खून चूसती है? ये सब बकवास है। नहीं, मुझे तो लगता है विशाल ठीक कह रहा है, दाल में जरूर कुछ काला है। मेरी बात मानो, चलकर मिस्टर नाथ से मिलते हैं। याद नहीं उस दिन उन्होंने स्वीटी के बर्थडे पे क्या कहा था? कि जो आत्माएं 100 साल तक भटकती रहती हैं, वो इंसानी रूप धारण कर लेती हैं। उसी पर तो उन्होंने इतनी बड़ी बुक लिखी है। वो एक एक्सपीरियंस आदमी है, वो इन आत्माओं को खत्म करने का कोई ना कोई तरीका जरूर जानते होंगे, समझे? तू जा उसके पास, मैं नहीं आता। याद है उस दिन कैसी बेइज्जती कर दी थी उसने? आखिर हमारी भी कोई इज्जत है यार। इस बार तुम लोगों के साथ मैं भी चलती हूँ। मिस्टर नाथ मेरे मामा जी के अच्छे दोस्त है, मेरी बात को कभी नहीं टाल सकते वो। हेलो। तुम कल बदतमीजी में कोई कमी रह गई थी जिसे पूरी करने आ जाए हो? अंकल हमें अंदर तो आने दीजिए ना प्लीज। ओके ओके, कम इन। आओ बैठो। बोलो कैसे आना हुआ? अंकल हम आपकी मदद चाहते हैं। कुछ चलना होगा क्या? नहीं अंकल, वो बात यह है कि अंकल विशाल को वहम हो गया। इसे समझाइए कि इसे घर के सामने वाले बंगले में जो औरत रहती वो प्रेतात्मा नहीं है। तो इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अंकल आप इसे उसके घर ले जाइए और ठीक से मिलवा दीजिए ताकि इसके दिमाग का वहम मिट जाए। प्लीज अंकल, अगर आपने हमारी मदद न की तो ये लड़का पागल हो जाएगा। हाँ अंकल, और हम हमारे प्यारे दोस्त को पागल होता हुआ नहीं देख सकते। हाँ अंकल, हमारी मदद कीजिए ना प्लीज। क्या नाम है उस औरत का? नकिता। नकिता, और एड्रेस क्या है? 13th गुलमोहर रोड। 13th गुलमोहर रोड। हेलो एक्सचेंज, देखिए मैं एक एड्रेस दे रहा हूँ, मुझे उस नंबर पर कनेक्ट कर दीजिए। नकिता, प्लॉट नंबर 13, गुलमोहर रोड। लेकिन आप फोन पर क्या बात करेंगे? हेलो, क्या मैं नकिता जी से बात कर सकता हूँ? कौन बोल रहे हैं आप? देखिए मैं नॉवलिस्ट इंद्रजीत नाथ बोल रहा हूँ। एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी अच्छा, क्या तुम लोग मुझसे बेवकूफी की बातें कर रहे हैं? हेलो हेलो नकिता जी, देखिए मैं नॉवेलिस्ट इंद्रजीत नाथ बोल रहा हूँ, आपने मेरा नाम जरूर सुना होगा। जी सुना है। और अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक है
तो मेरी लेटेस्ट नॉवेल दहशत आपने जरूर पढ़ी होगी। जी नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं। कोई बात नहीं, इट्स ओके। देखिए, मैंने अपनी नावल में एक ऐसी आत्मा का जिक्र किया है जो 100 सालों बाद इंसान का रूप ले लेती है और इंसानों का खून चूस कर उन्हें भी अपनी तरह शैतान बना लेती है, और जिस इंसान से उनका दिल भर जाता है उसका पूरा खून चूस कर उसे बेजान कर देती है। हेलो, आप सुन रही है ना? जी हाँ, सुन रही हूँ। तो मैं ये कह रहा था कि आपके सामने जो लड़का रहता है, आपका पड़ोसी, क्या नाम है उसका, क्या नाम है तेरा? विशाल। तो उसका ये कहना है कि आप भी उन आत्माओं की तरह एक आत्मा है, यानी कि शैतान है। मैं नहीं, ये कह रहा है बेवकूफ कहीं का। मैं भी जब पहली बार सुना तो बहुत हंसा, और बिल्कुल आपकी तरह। मैंने इसे बड़ी समझाने की कोशिश की लेकिन मेरी बात इस बेवकूफ के पल्ले पड़ी नहीं। मैं इसकी गलतफहमी दूर करना चाहता हूँ। मुझे आपके मदद की जरूरत है। कहिए, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? मैं चाहता हूँ कि एक बार, सिर्फ एक बार आप इससे मिल लीजिए ताकि इसके दिमाग का वहम निकल जाए। मैं उसका वहम दूर कर दूंगी। कहिए, कब मिलना है उसे? जब आप कहें। छह बजे से पहले आप उसे लेकर आ जाइए। ठीक है, हम आपके पास पहुंच रहे हैं। मैं आपका इंतजार कर रही हूँ। थैंक यू। उसने 6 बजे के पहले बुलाया है, लेकिन तुम में से कोई नहीं जाएगा। मैं सिर्फ विशाल को लेकर जाऊंगा। लेकिन अंकल। लेकिन मैं कुछ नहीं। ओके ओके, बेस्ट ऑफ लक। कम ऑन, आज मैं तुम्हारी गलतफहमी दूर करता हूं। नहीं नहीं मिस्टर नाथ, इस तरह से बंगले में जाना बिल्कुल ठीक नहीं है। वो आत्मा कुछ भी कर सकती है। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद तुम्हारे दिमाग का वहम हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। मैं पूरे इंतजाम के साथ आया हूँ। यू जस्ट फॉलो मी। लेकिन मिस्टर नाथ, अंदर जाने की क्या जरूरत है? उसे ही बाहर बुला लीजिए ना। अरे तुम डरो नहीं, मेरे पास होली वाटर है। अगर वो आत्मा है तो ये पानी छिड़कते ही वो खत्म हो जाएगी। तो आप उस पर पानी छिड़क कर उसे खत्म ही कर दीजिए ना। अरे पहले पता तो चले कि वो आत्मा है कि नहीं, तब ना खत्म करूंगा। मैं जो कह रहा हूँ वो सचमुच एक आत्मा है। मैंने खुद उसे अपनी आंखों से देखा है। तो मैं भी अपनी आंखों से देख लूं, फिर खत्म भी कर दूंगा। लेकिन मिस्टर नाथ, सुनिए तो सही। मिस्टर नाथ, जस्ट वेट। मिस्टर नाथ, जस्ट वेट। अरे कौन है आप? मैं इंद्रजीत नाथ, राइटर। मैंने आपको फोन किया, मुझे नगीता जी से मिला। आइए आइए। राइटर इंद्रजीत है, ये विशाल है। मैं इसे ही आपसे मिलवाने के लिए लाया है। हेलो हेलो। तो इन्हीं का कहना है कि मैं प्रेत आत्मा हूँ? जी हाँ, ताज्जुब हो रहा होगा आपको इसकी सोचकर। पर सोचता है आप आत्मा हैं, चुड़ैल हैं आप। ठीक, ये सोचता है। बोलो, मैं ऐसा क्या करूं जिसे तुम्हारे दिमाग का वहम दूर हो जाए? सुनो, वो होली वाटर इस पर छिड़क दीजिए।
है कि ये होली वाटर मैं आप पर छिड़क दूं। समझ गए ना? देखा देखा, ये पानी छिड़कने के नाम से कैसे घबरा गई। क्या सोच रही हैं? अगर आप इजाजत दें तो ये शुद्ध गंगा जल मैं आपके लेकिन मेरी बात तेरी समझ में नहीं आ रही। आप इस तरह क्यों चले? क्या हुआ? अरे कुछ नहीं हुआ, मुझे देर हो रही है, जल्दी चलो, भागो, भाग चलो। लेकिन हम तो ये देखने आए थे वो औरत आत्मा है नहीं, फिर अचानक क्या हो गया? बताइए ना सर, बताइए तो सही, प्लीज सर बताइए ना। मिस्टर नाथ, जानना चाहते हो तो सुनो, तुम जो कह रहे थे बिल्कुल सच कह रहे थे, सोलह आने सच, और वो जो औरत है ना इंसान नहीं है, आत्मा है, प्रेत आत्मा, और उसके साथ जो आदमी है वो भी इंसान नहीं है, शैतान है, भागो। लेकिन आपको कैसे पता लगा? बोलो इंसान नहीं शैतान है। ये लोग हमें धोखा दे सकते हैं लेकिन आईने को नहीं, ऐसी आत्माएं आईने में नजर नहीं आती। मगर मिस्टर नाथ, उस आत्मा ने गंगा का पवित्र जल कैसे पी लिया? तुम शायद भूल रहे हो, और मैं भी भूल गया था, मैंने अपनी नावेल में साफ साफ लिखा है कि ऐसी आत्माओं पर सूरज डूबते वक्त पाक चीजों का कोई असर नहीं होता। लेकिन सर, लेकिन छोड़ो, अब यहाँ रुकना ठीक नहीं है, मैं जा रहा हूँ, तुम भी भाग जाओ, भाग जाओ। इसका एक अच्छा तरीका यही है कि तुम अपनी उस खिड़की को ही बंद कर दो ताकि उल्टे सीधे नजारे न देख सको। हाँ ये ठीक है। अच्छा अच्छा चलो चलते हैं। तुम लोग काम करो, तुम लोग इस गाड़ी में जाओ, हम लोग आगे से टैक्सी ले लेंगे। मैं ड्रॉप कर दूंगा ना। अरे यार समझता ही नहीं है, कभी तो हम लोग अकेला छोड़ दिया करो। तू साला सुधरेगा नहीं कभी। ओके बाय। बाय।
मैं एक बहुत बड़ी उलझन में फंस गया हूँ। उससे बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहा हूँ मैं। कैसी उलझन? प्रियंका, मुझे बहुत जोरों से ये आया है। इट्स अर्जेंट, मैं अभी आया हूँ। ए, वहाँ देख। स्वामी, नाम तुम इस वक्त क्या बात? मुझे आपसे एक जरूरी काम है।